जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम आपके लिए लेकर आए हैं नव वर्ष 2018 का राशिफल। और प्रत्येक मास के राशिफल में उस वर्ष आपको क्या उपाय करना है ये भी साथ में बताया गया है। मित्रों, ज्योतिष की भ्रमतियों के निदान के लिए, जन्म कुंडली की समस्याओं के समाधान के लिए, तंत्र मंत्र की समस्याओं से मुक्ति के लिए, वास्तु का बिना तोड़फोड़ समाधान जानने के लिए, और आप अपनी हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमें मैसेज कर तथा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर आप अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज वृक्ष राशि का राशिफल। वृक्ष राशि पर शनि का धैर्य का प्रभाव वर्ष भर रहने से आए कम बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे, रोग आदि से कष्ट रहेंगे। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक राशि स्वामी शुक्र निज स्थान पर होने के कारण मानसिक तनाव एवं विद्या में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, आर्थिक परेशानी भी रहेगी। 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक शुक्र वक्रीगत 6 स्थान पर संचार करने से आशानुरूप कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होगी और कुछ मन में विस्मय बना रहेगा, नई नई समस्याएं प्रकट होंगी। उपाय, वर्ष भर प्रत्येक शनिवार में सरसों के तेल में चेहरा देखकर वह तेल का शाम के समय पीपल के नीचे पश्चिम मुख कर दीपक लगाएं, इससे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी और आपको आश्चर्यजनक रूप से लाभ भी प्राप्त होगा। जनवरी माह तिथि 12 से राशि स्वामी शुक्र अष्टम स्थान पर होकर सूर्य शनि युक्त संचार करने से बनते कार्यों में विघ्न बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखें, खर्च भी बढ़ चढ़ कर होगा। तिथि 12 के बाद शुक्र केतु युक्ति होने से उलझने रुकावटों के बावजूद निर्वाह हो गया आय के साधन बनते रहेंगे। उपाय, मित्रों, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन संकल्प पूर्वक पंच गव्य तथा पंच अनाज का दान करना इस माह आपके लिए विशेष शुभकारी रहेगा। फरवरी, किसी नए कार्य की योजना बनेगी, पारिवारिक आय में वृद्धि होगी परंतु अनुकूल लाभ में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। 13 से व्यवसाय क्षेत्र में अनेक उतराव चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना रहेगा। मंगल की तिथि रहने से मन में उचितता, मन का उच्चाटन एवं सिर दर्द आदि के कारण परेशानी हो सकती है। फरवरी माह में आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना विशेष लाभकारी रहेगा। मार्च, वृक्ष राशि वाले तिथि 2 से
राहि स्वामी शुक्र उच्च राशि में होने के कारण सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ और उन्नति के योग हैं। व्यवसायिक व्यवस्थाएं बहेंगी, परंतु घरेलू समस्याओं के कारण मन परेशान रहेगा एवं अचानक खर्च भी बढ़ेंगे। मार्च मास में आपको श्री सुंदरकांड का पाठ और बजरंग बली को संदूर का चोला अर्पित करना विशेष लाभकारी रहेगा और इस माह में आपको संकटों से मुक्त रखेगा। अप्रैल तिथि 19 से राशि स्वामी शुक्र द्वादश यानी 12वें स्थान पे होने से खर्च अधिक, घरेलू उलझने व तनाव भी बढ़ेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तिथि 20 से शुक्र राशि अपनी राशि वृक्ष में होने से नवीन कार्यों में की योजनाएं बनेंगी। पारिवारिक वातावरण पहले से सुखद होगा। अप्रैल मास में आपको श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा कवच का पाठ करना तथा कन्या पूजन करना लाभकारी रहेगा। मई गत किए गए प्रयासों से भाग्य उन्नति और शेष व्यक्तियों के संपर्क से लाभकारी स्थिति होगी, परंतु निकटतम भाई बंधुओं से मन मुटाव तथा कला क्लेश उत्पन्न हो सकता है। सिर दर्द, आंखों में कष्ट की संभावना बनी रहेगी, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। इस माह में भी आपको कन्या पूजन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ रहेगा। जून तिथि 8 से शुक्र तृतीय भाव में राहु युक्त होने से दौड़ धूप तथा निकट बंधु बांधवों से तनाव अधिक रहेगा। परिवार में मतभेद एवं मन में अशांति बनी रहेगी। तिथि 12 से आराम कम और संघर्ष अधिक रहेगा। आत्मस्त अचानक किसी दूर स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है। उपाय, शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना विशेष लाभकारी रहेगा। आपको जून मास में जुलाई तिथि 4 से शुक्र चतुर्भाव में संचार होने से परिस्थितियों में विशेष परिवर्तन होगा। आय कम और खर्च अधिक होंगे। भाई बंधुओं से मतभेद, स्वभाव में तेजी, उत्तेजना से बनते हुए कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। गत किए गए प्रयासों में प्रतिफल कुछ दिनों के बाद ही प्राप्त होगा। 16 से श्रावण मासों का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। अगस्त मास भर शुक्र नीच राशि होने के कारण मानसिक तनाव, विद्या में विघ्न, कारोबार में विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। कुछ आर्थिक परेशानियां भी बनी रहेगी। मानसिक तनाव भाई बंधुओं तथा मित्रों से तकरार भी हो सकती है। शनि दया के प्रभाव से संतान संबंधी चिंता भी बनी रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। संकट मोचन तथा हनुमान अष्टक का पाठ इस माह आपके लिए कवच सिद्ध होगा। सितंबर राहि स्वामी शुक्र अष्ट स्थान होने से परिस्थितियों में कुछ सुधार होने के योग हैं। धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन एवं लाभ के योग बनेंगे। बीज के पश्चात किसी नवीन कार्य की योजना बनेगी। योजना को कार्य रूप देने में भी विघ्न उत्पन्न होंगे। उपाय, 25 से श्राद्ध काल में दिवंगत पितरों के नाम से भोजन कराएं तथा पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। पितृ सूक्त का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अक्टूबर तिथि 5 से आशानुरूप कार्यों में सफलता प्राप्त ना हो तथा नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साझेदारी में भी हानि हो सकती है। पीछे किए गए परिश्रम एवं प्रयास का फलीभूत होंगे, परंतु परिवार में वैचारिक मतभेद एवं संतान संबंधी कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। अक्टूबर माह में कार्तिक महात्म तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। नवंबर उत्त एवं गुरु की संयुक्त तिथि होने से अत्यंत
संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद निर्वाह योग्य आय के साधन बनते रहेंगे। स्त्री एवं संतान सुख मिलेगा, परंतु शनि धैर्य के कारण घर में सुखद माहौल होते हुए भी गुप्त तथा अज्ञात चिंताएं बनी रहेंगी। इसके लिए दशक शनि स्तोत्र का पाठ करें तथा प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर संदूक का चोला अर्पित करें, आपको लाभ होगा। दिसंबर कठिनाई के बावजूद गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी, परंतु धैर्य के कारण साझेदारी में भी हानि हो सकती है। व्यर्थ की चिंताओं के कारण मानसिक तनाव एवं मन अशांत रहेगा। परिवार में कुछ विवादित मामले मतभेद एवं तनाव का कारण बनेंगे। खर्च अधिक रहेगा। दिसंबर माह में आपको दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करना और कुंजी का स्तोत्र का जाप करना विशेष लाभकारी रहेगा तथा कन्या पूजन इस माह आपके लिए कार्य सिद्धि का योग बनेगा, कारण बनेगा। तो ये था वृक्ष राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल 2018 का। उपायों सहित मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ वाले बेल का बटन अवश्य दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। मित्रों, ज्योतिष की भ्रमतियों के निदान के लिए अपनी कुंडली में स्थित शुभ अशुभ योग की जानकारी के लिए, उनके निवारण के लिए तथा पितृदोष काल तक संचय मंत्र की समस्याओं के समाधान के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तथा अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप में मैसेज कर तथा व्हाट्सएप नंबर से फोन कर हमसे समस्याओं के समाधान जान सकते हैं। तो आज इतना ही। सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए नववर्ष 2018 सुखमय व्यतीत हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सबको जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।